कोई निश्चित आमदनी का साधन नहीं है। अच्छा, तब हनुमान जी की कृपा से जो कुछ आता है वही सब खाते। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र वर्मा अपने यूट्यूब चैनल भूखे पेट में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने कानपुर जूही डिपो में स्थित जो हनुमान मंदिर है, आप देख सकते हैं श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुनिषा श्रम मठ, तो वही मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, हम लोगों ने मंदिर में एंटर किया, हनुमान जी का मंदिर। आइए मैं अंदर से मैं दर्शन कराता हूँ। जय बजरंग बली बाबा, जय हो बजरंग, जय जय हो बजरंग। अब हम लोग चलते हैं, स्वामी जी से कुछ बात विवाद करेंगे और यहाँ के विषय में जानकारी लेंगे। स्वामी जी प्रणाम। ये हम लोग YouTube चैनल में वीडियो डालते हैं तो यहाँ के मंदिर के विषय में भी बताएंगे, जो हमारे व्यूवर्स हैं देखेंगे लोग और यहाँ के विषय में जानेंगे। तो थोड़ा हमें ये इस मंदिर के विषय में आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं, कुछ हमें बताइए जो हमारी पब्लिक हमारी जनता देखे और इस मंदिर के विषय में जो खूबियां हैं उसके बारे में जानकारी मिले उनको। सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि ये संत निवास है। अच्छा, और संत ही यहाँ पूजन करते हैं। आकाशीय वृत्ति पर मंदिर चल रहा है, कोई निश्चित आमदनी का साधन नहीं है। अच्छा, तो हनुमान जी की कृपा से आता है वही सब। अच्छा, और विद्यार्थी पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब बच्चों की पाठशाला भी चलती है। हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा है। तो ये विद्यार्थी लगभग यहाँ कितने होंगे? लगभग 100 विद्यार्थी होंगे यहाँ पर। अच्छा, ये यहाँ मतलब गुरुकुल चलता है। हाँ। तो ये देखिए, ये बताया यहाँ पर कि ऐसी ऐसी समस्याएं भी आती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खाने पीने का सब इंतजाम हो रहा है भगवान बाबा की हनुमान जी की दया दृष्टि से। तो आगे मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इस मंदिर के जो विख्यात जो हमारा जूही डिपो में मंदिर हनुमान जी का मंदिर जो स्थित है इसके विषय में भी लोग जानें। तो स्वामी जी आपका शुभ नाम? ब्रह्मावर्त पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुनिषा आश्रम जी महाराज। मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये यहाँ जो हनुमान जी का मंदिर जो डिपो में जो स्थित है और जो वहाँ पर गुरुकुल है, लगभग कितने बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ पर? लगभग 20-30 बच्चे हैं। तो आपका नाम क्या है? गोपाल अग्निहोत्री जी। तो आप प्रॉपर कानपुर के कहीं बाहर के हैं? बाहर कहाँ के? जालौन जिला से। तो आप जालौन जिला से यहाँ पर पढ़ने आए, तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको? यहाँ पर वेद भी पढ़ाया जाता है। वेद का ज्ञान दिया जाता है। अच्छा, और नित्य क्रम भी पढ़ाया जाता है। क्या चीज़? नित्य क्रम। अच्छा, कर्मकांड। वेरी गुड। तो अभी आप किस क्लास में हैं? अभी तो हम वैसे इधर की पढ़ाई तो अभी कर नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि डिग्री वाली जो पढ़ाई है वो हम घर से कर रहे हैं। अच्छा, डिग्री वाली पढ़ाई घर से कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब खाली आप वेदों का ज्ञान ले रहे हैं? खाली कर्मकांड पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। ये आपको देखिए, जो आपका क्या नाम बताया था आपने? गोपाल अग्निहोत्री जी। तो ये वेदों का यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए आए हैं, तो आगे क्या प्लानिंग है आपका? वेदों का ज्ञान लेने के बाद कुछ आचार की डिग्री करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको जो भगवान के? अच्छा, भगवान की सेवा भी तो आप करते होंगे सुबह? कितने बजे सुबह उठ जाते हैं? 4 बजे। 4 बजे सुबह डेली उठ जाते हैं? बहुत अच्छा। और यहाँ पर खाने पीने का सब बहुत अच्छा है? बहुत निःशुल्क है, बहुत ध्यान दिया जाता होगा। तो डेली आप स्वामी जी से मिलते होंगे, तो उनके लिए मतलब डेली क्या सेवा भी करते हैं उनकी, ये पैर दापना या जो भी करते हैं ऐसा कुछ? वो तो स्वामी जी हमारे हैं, वो तो हमारा कर्तव्य। वेरी गुड। यही मैं सुनना चाहता था। यही मैं आपसे सुनना चाहता था कि आपने बात कही कि हमारा ये कर्तव्य है और होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है जो आपने ये बात कही कि हमारा ये कर्तव्य है
और अच्छा ये जैसे आप उतना दूर से आप आए हैं मम्मी पापा को छोड़ करके, हाँ। तो अभी कभी भी याद भी तो आती होगी? नहीं जाते हैं इस जाते हैं हाँ। तो एक मतलब एक 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 आध महीने छोड़ कर या कब कैसे जाते हैं? ऐसे है जाते हैं, जब ऐसे जाते हैं एक आध महीने छोड़ करके आप जाते होंगे हैं गैप करके। बहुत अच्छा, देखिए जैसा कि इन्होंने बताया तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मतलब बात करके, और यहाँ के विषय में जो आपने बताया कि आप वेदों का ज्ञान ले रहे हैं और कर्मकांड का, बहुत बढ़िया। तो और भी आपके मित्र यार होंगे यहाँ पर, तो लगभग 30 से 35 लोग हैं जो आप यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ आपने यहाँ पर शिक्षा जो ग्रहण करी कुछ हमें बताएं उसके बारे में या कुछ सुनाएं हमको। ज़्यादातर मांस भक्ति वाचन हर में किया जाता है ना। अच्छा अच्छा, वही आपको सुना। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, हमें सुनाइए हमको। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्र दस्रावा स्वस्ति न भूखा विश्वावीदा स्वस्ति नस्तार्कचो अरिष्टाने मी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसावितर्दूरितानि पराशुवा यद्वदरन्तन्न आशुवा। ॐ सुशान्तिर्भवतु, ॐ सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्टा सुशान्तिर्भवतु। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को अच्छा लगा, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मैं इसका बयान नहीं कर सकता, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये आपने जो सुनाया क्या बोलते हैं इसको? स्वस्ति वाचन। भाई वाचन जो अग्रवर्ती जी ने मुझे सुनाया तो ये भी आप लोगों ने सुना भी, बहुत अच्छा लगा भाई। अग्रवर्ती जी आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू, धन्यवाद। जो भोजन का वितरण हो रहा है, चालू हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ।